नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र के पांचवें दिन के हंगामे की। पीएम मोदी ने आज आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, हम इस पर भी आज बात करेंगे। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से अलर्ट जारी कर दिया गया है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और हैदराबाद पुलिस ने 700 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर आज हम इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे, पर इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। और अब नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। जम्मू कश्मीर से जुड़ा बिल लोकसभा में किया पेश। पंजाब में बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 41 लोगों की मौत, 1600 लोग राहत शिविर में। पंजाब के लोकप्रिय गायक सुरेंद्र शिंदा का 64 साल की उम्र में निधन। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद जिला प्रशासन का फैसला, नोएडा के स्कूल रहे बंद। रूस के रक्षा मंत्री पहुंचे नॉर्थ कोरिया, कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज द्रास में कारगिल विजय दिवस में शामिल हुए। नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में मिला कैश, आईटी को दी सूचना। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में मरीज ने डॉक्टर पर चाकू से किया हमला। सदन में मुझे बोलने नहीं दिया गया, माइक बंद कर मेरा अपमान किया गया, राज्यसभा में बोले खड़गे। और अब वक्त हो गया है बुलेटिन का, पहली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें आज संसद के मॉनसून सत्र का पांचवा दिन था। बीते 4 दिनों से सदन में मणिपुर मुद्दे पर बहस छिड़ रही है। इस बीच विपक्षी दलों द्वारा आज लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लोकसभा स्पीकर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों में सहमति जताई है। बता दें कि विपक्ष की मांग है कि मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बयान दे, जबकि सरकार का कहना है कि वह मणिपुर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। और अगली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें पीएम मोदी ने आज प्रगति मैदान के पूर्ण विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के नए आईटीपीओ परिसर में हवन और पूजा के बाद श्रमजीवियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रमजीवियों को सम्मानित भी किया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद श्रमजीवी भी खुश दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि पहले हमने पीएम मोदी को दूर से देखा था, आज उनसे मिलकर अच्छा लगा। तीसरी खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें देश के कई राज्यों में आज तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई जिलों में आज भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अगले 3 दिन तक झमाझम वर्षा होने के आसार हैं। भारी बारिश के मद्देनजर रायगढ़ जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी थी। अगली खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें हैदराबाद पुलिस ने 700 करोड़ रुपए की चीनी ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का खुलासा किया है। इस संबंध में पुलिस ने अहमदाबाद के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मास्टरमाइंड प्रकाश मूलचंद भाई प्रजापति है। यह व्यक्ति 2021 से हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस के रडार पर है। आरोपी अपनी चीनी हैंडलर्स के संपर्क में था। इसमें लगभग 15,000 भारतीयों के साथ ऑनलाइन स्कैम हुआ है। और आखिरी खबर की ओर चलते हुए आपको बता दें उड़ीसा में भारी बारिश की संभावना के बीच मछुआरों को गुरुवार तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज उड़ीसा में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी और तटीय उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को 27 जुलाई तक समुद्र में ना जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसी और देश की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हमारे साथ, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।